हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम तूफान नागर, लेकर आ चुका हूँ 8th क्लास वालों के लिए एक इंटरेस्टिंग क्लास, जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ उनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। इस नाम से आपका चैप्टर होगा आपकी बुक में, 8th क्लास का 8th चैप्टर, ठीक है। तो हम सीखेंगे आज की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। मैं जो कुछ भी आपको पढ़ाऊँगा वो एक स्टैंडर्ड बुक जो हमारी है, इसको मैं फॉलो करूँगा। मैथमेटिक्स की बुक RS अग्रवाल को मैं फॉलो कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं RS अग्रवाल में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाऊंगा, जो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद अगर आप कहोगे तो मैं आपकी NCERT को भी पूरा सोल्व करवा सकता हूँ यहाँ पर, तो मैं पूरी NCERT भी सोल्व करवा दूंगा आपको। तो पहले मैं आपको जितने भी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा बेसिकली यहाँ से सिखाऊंगा, और क्योंकि अगर आपको अच्छे लेवल से सीखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो आपको स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी पड़ती है। और मैं सजेस्ट करता हूँ RS अग्रवाल, RS अग्रवाल या RD, दोनों का आप रेफरेंस बुक के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आपके दिमाग में पहला डाउट आएगा कि सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, किसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो, आसान सी लैंग्वेज में कहूँ तो आपने कोई नंबर लिख दिया 2, 3 एंड सो ऑन सो, व्हाटएवर दूसरा लिख दिया आपने, 4 लिख दिया। अब यहाँ पर आपने एक अल्फाबेट लिख दिया A, B, C, कुछ भी लिख दिया, या फिर लिख दिया आपने XYZ, व्हाटएवर। अगर मैं इन दोनों को साथ में कंपाइल कर लूँ, अने नंबर को इसको लिख दूँ मैं 2A और इसको लिख दूँ मैं 3B और इसको लिख दूँ मैं 4C, यही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। मतलब क्या हुआ सर, नंबर को अल्फाबेट्स के साथ कंबाइन करना, मिक्स करना, यही कहलाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आ गया समझ, आसान सी लैंग्वेज बता रहा हूँ बिल्कुल। नंबर्स को अल्फाबेट्स के साथ मिक्स करना क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है, इजंट इट। अब आप सब कहोगे कि सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो नंबर को जो है अल्फाबेट के साथ मिक्स करना होता है, इट्स ओके। फिर सर इसको ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड्स कैसे करेंगे, क्या इसकी आइडेंटिटीज होगी, ये सब सिखाने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले हम जो शुरू में सीखेंगे, बेसिक में सीखेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो आसान सी ट्रिक बताऊँ ऐड करने की और सब्ट्रैक्ट करने की। लेट से मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। तो गाइज, आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 6A + 8B - 3C, इसको ऐड करना है आपको 3B + C - 4A से। सबसे पहले क्या करो, इसे सिंपल ऐड करते हैं, वैसे ऐड करना है। अब देखो समझो चीज़ों को कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं जोड़ी, जैसे हम स्कूल में जाते हैं ना दोस्तों के साथ, जो अपना क्लीग फ्रेंड होता है, जो खास फ्रेंड होता है उसके साथ हम बैठते हैं, यानी अपने वाले ग्रुप में बैठना पसंद करते हैं, अपने दोस्तों में बैठना पसंद करते हैं। वैसे ही नंबर्स भी जो है ना बड़े स्मार्ट हैं। क्या स्मार्ट हैं ये, अपने वालों में बैठना पसंद करते हैं। तो कैसे, ऐसे मैंने कहा कि 8B - 3C, इसको ऐड करना था मुझे इसके साथ। अब यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ आपको जो समझना है, यहाँ A लिखा हुआ है तो A के पास A ही बैठेगा, तो यहाँ पर A क्या दिया हुआ है गाइस, देखो ध्यान से, यहाँ पर दिया हुआ है -4A, तो इसको लिख देंगे अपन यहाँ पर, ठीक है। अब लिखा हुआ B, B वाले के पास क्या रखा हुआ है, B वाले के पास यहाँ साइन नहीं है तो मैं प्लस का साइन लगा देता हूँ, ठीक है। B वाले के पास मेरे पास लिखा हुआ है 3B, और C वाले के पास कितना लिखा हुआ है, C वाले के पास यहाँ +C लिखा हुआ है, तो ये मैंने +C लगा दिया। एक मिनट गाइस, वो साइन सही था, और C वाले के साथ कितना लिखा हुआ है, प्लस लगा हुआ, तो C लगा दे, बस जम गया, सेटअप बन गया। अब ऐड कर दो, यहाँ माइनस का साइन है, ध्यान रखना माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन है 4, माइनस का 4 है, ऊपर 6 है, तो 6A में से अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2A बचेगा। आपको सिंपल तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, कुछ नया रूल नहीं लगाना है, ठीक है। लेट से यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 3 है, दोनों में साइन ऐड एडिशन का है, तो क्या बनेगा, ऐड हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा ये 11B बन जाएगा, और ये यहाँ माइनस का है। ध्यान से सुनो, बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की है, चलेगी किसकी, बड़े भैया की, बड़े भैया क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर C कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप 1 मान लो, तो 1C में से 3C को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा, माइनस का 2C बचा, यही इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि आपको क्लियरिटी आई होगी, और क्वेश्चन लेते हैं ताकि और क्लियरिटी आए।
गाइस देखो मुझे इसको ऐड करना है, मेरे पास नंबर है 8x² - 5xy + -3y² अगला नंबर है 2xy - 6xy² + 3x², इसको मुझे ऐड करना है। सबसे पहले वही रूल है, आगे वाले को एज इज लिख लो, तो x² 8x² - 5xy + 3y² कुछ भी नहीं करना है। अब ढूंढना है आपको जोड़ी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स ढूंढो। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स कहां पर रखी हुई है, यहां पर रखी हुई है, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म में क्या है, 3 है, तो 3x² जोड़ी बनानी है आपको, बस अपना दोस्त ढूंढो। कौन सा दोस्त है भैया इसका, एक्स स्क्वायर वाला दोस्त है इसका, ठीक है। अच्छा इसका दोस्त कौन सा है, एक्स वाई, एक्स वाई दोस्त है तो एक्स वाई ढूंढो। यहाँ पर एक्स वाई फ्रेंड कौन सा है इसका, एक्स वाई फ्रेंड है यहाँ पर 2, तो अब देखो यहाँ क्योंकि साइन कुछ भी नहीं था, हम प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है, तो कितना बन जाएगा 2xy, क्योंकि हम एड ही तो कर रहे हैं, हमको बोला गया क्वेश्चन में कि ऐड करना है, ठीक है। और इसके अलावा अगला टर्म देखेंगे तो क्या बचा, वाई, वाई के साथ क्या रखा हुआ, माइनस लगा हुआ, तो यहाँ पे लगा देंगे वाई स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो सिंपल तरीके से, 8 + 3 कितना होता है, 11x², यहाँ -5 है तो माइनस वाले भैया की चलेगी, तो -5 है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से, कितना बनेगा आपका -3xy बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का साइन है, ध्यान से देखना, तो बड़ी वैल्यू माइनस की है तो यहाँ भी माइनस आना ही है, वाई स्क्वायर 6y² में से 3y² सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 3y² बचेगा, यही इसका फाइनल आंसर होगा। चाहे एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स आ जाए, चाहे क्यूब वाली आ जाए, कौन सी भी टर्म्स आपके पास आ जाए, आपको सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, सिंपल तरीके से ऐड करना है, साइन का ध्यान रखना है, इजीली आपसे क्वेश्चन सॉल्व होएगा। आई होप कि आपको क्लियरिटी आ रही होगी। गाइस मुझे कहा गया है कि सब्ट्रैक्ट करना है इस वाली टर्म में से इस वाली को, तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, ये टाइम वाली टर्म्स ऐसे कैसे लिख दूंगा, 4a + 5b - 3c एज इट इज। अब क्या करते हैं, अपने दोस्त को ढूंढो, यहाँ पर a है तो a को ढूंढो, a कितना है 6a, ठीक है, यहाँ पर क्या है b है तो b लिख दो -c, ठीक ना, और यहाँ पर c को ढूंढना है, c है यहाँ पर +c, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दो। अब ध्यान से यहां पे साइन के बारे में ध्यान रखना, साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। देखो यहां पर -4 में से -6 को करोगे, -6 को सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से 4 में, तो बड़ी चलेगी किसकी, बड़े भैया की चलेगी, मतलब यहां पर साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो कितना बन जाएगा ये माइनस का 2 है, 4 में से 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अब ध्यान से देखना, क्योंकि मैं माइनस कर रहा हूं तो माइनस यहाँ पे माइनस का है, और हम सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो बन जाएगा कितना, 3b + 5b - 8b। और क्योंकि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ भी क्या है, सब्ट्रैक्शन का साइन कर रहा है, सब्ट्रैक्शन आ गया, यहाँ सब्ट्रैक्शन है, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन से प्लस, सब्ट्रैक्शन माइनस क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, पर साइन किसका रहता है, माइनस का ही रहता, तो 1c, यहाँ 1 मान लो और यहाँ 3, तो कितना बन गया 4c, यही इसका फाइनल आंसर है। अगर आपको क्लियरिटी नहीं है तो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो सब्ट्रैक्शन की चलेगी, यहाँ पर बड़ी सब्ट्रैक्शन की वैल्यू होने की वजह से -2 आंसर आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, बिकॉज मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर माइनस का साइन है, ठीक है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, मैं ऐड कर दूंगा, यहाँ पर माइनस प्लस का साइन है और मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा, -, ऐड हो जाएंगे, बट साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। बहुत क्लियरिटी के साथ करना है, बहुत अवेयर रहकर करना है ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। गाइज देखो मेरे को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है इस क्वेश्चन को, देखो तो यहाँ पर माइनस का साइन है, इथिकली तो यहाँ प्लस का होगा क्योंकि कुछ भी नहीं है, तो पर यहाँ माइनस का सब्ट्रैक्ट करना, तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस ऐड होगा, पर साइन किसका रहेगा यहाँ पर, माइनस का, तो 3 और 2 कितना बन जाएगा, 5x². अब गाइस हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस का साइन यहाँ आएगा, तो माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, अब दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 7x। यहाँ माइनस का है, माइनस ये तो प्लस हो गया, पर ऊपर क्या बच गया, माइनस का बच गया, तो माइनस का 5 है और यहाँ 4 है पॉजिटिव का, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ी वैल्यू किसकी बचेगी, माइनस की बचेगी, चलेगी किसकी, बड़े भैया की चलेगी। आई होप कि आपको क्लियरिटी आ रही होगी। सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, बस ध्यान रखना है कि अपने वाले दोस्त को अपने पास बिठाना है, दूसरे दोस्त को नहीं बिठाना है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा।